Hello and good morning, student. In today's class, we are going to discuss about interest on drawing, next topic of your chapter. So let's start with interest on drawing. हम बात कर रहे हैं किसकी, interest on drawing की. तो interest on drawing की वजह मैं ये कहूँगा बेटा कि जो सारा जितना calculation होता है interest का, ये सारा का सारा क्या होता है बेटा, सेम होता है. मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल लोन इन्वेस्टमेंट. तो ये सभी का कैलकुलेशन क्या होता है बच्चे, सेम होता है. तो इसलिए ये टॉपिक का नाम मैंने बदल के क्या लिख दिया बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख जाएँ तो चाहे इंटरेस्ट ड्राइंग का हो निकालना हो, कैपिटल का निकालना हो, या फिर लोन का निकालना हो, या फिर इन्वेस्टमेंट का निकालना हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं. अब जैसे आपके घर वाले बेटा क्या करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, जो आरडीज करवाते हैं, तो बेटा उसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सेम इसी वे में निकालते हैं. ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम इंटरेस्ट निकालते हैं. अच्छा, तो सिंपल वे में हम कैसे इंटरेस्ट निकालते थे, सिंपल जो हमारा सिंपल मेथड होता था कैसे निकालते थे, अभी तक हम निकालते आए हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप कहते हो बहुत आसान सा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो अमाउंट होता है वो रेट डिवाइड में 100, और जितने मंथ के लिए किया उतने मंथ के लिए. लेकिन बेटा ये वाला मेथड, सिंपल वाला मेथड जब तक ये आप अप्लीकेबल है, मतलब अप्लीकेबल तो सभी केसेस में है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल बे में अगर बात करें तो बेटा तभी तक अगर अप्लीकेबल है जब तक कि हमारे पास एक या दो अमाउंट गिवन हो निकालने के लिए, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको निकालने में. अब जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए. यहाँ पे ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए किसी पार्टनर ने क्या किया बेटा, 1 फरवरी को ड्राइंग करी, ठीक है, 1000 रुपये की अमाउंट की. और ये बेटा कब तक करता जाता है, पूरा साल ड्राइंग करता, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ड्राइंग करता रहता है, मतलब 1 दिसंबर तक ड्राइंग करता रहता है. और कितने अमाउंट की ड्राइंग करता रहता है, हज़ार 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 हर मंथ करता रहता है. अब मैं आपको कहूँ कि बेटा सिंपल मैथड से इसको निकालिए, तो सिंपल मैथड से कैसे निकालेंगे, अब हर महीने का आपको ड्राइंग निकालना पड़ेगा. देखिए, अब जैसे पहले इसका निकालेंगे, इस वाले का अमाउंट निकालेंगे, तो 1000, अब इंटरेस्ट रेट मैंने बेटा यहाँ पे आपको 10% दे दिया, 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम. तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो मंथ कितना हो गया यहाँ पे बेटा, 12 मंथ हो गया डिवाइड में 12. तो मतलब इस तरह से आपको बार 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 करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाएगा, मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा अगर आप सिंपल मेथड से निकालते हो. तो एक हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है, एक हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस तरह के इंटरेस्ट को हम फास्टर वे में कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास बेटा सपोज 4 से 5 बार उसने ड्राइंग करी है, 12 से 13 बार ड्राइंग करी है, 20 बार ड्राइंग करी है, तो बेटा हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं. अब सिंपल मेथड तो बेटा अप्लीकेबल होता है सभी केसेस में, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिकल वे में हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. अब इसी में मैं आपको बताऊं, इसी में मैं कहूं कि ए ने ड्राइंग करी है, तो बेटा अब एक ही ड्राइंग की हमें बेटा लास्ट में चाहिए, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो लास्ट तक उसने ड्राइंग कितनी कर ली, मतलब उसके इंटरेस्ट का अमाउंट, उसके इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया. तो बेटा हर मंथ में हमें ऐसे करना पड़ेगा, अगले मंथ में भी ऐसे करना पड़ेगा, तो सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद जाके लास्ट में क्या होगा, इसका टोटल होगा. तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इस तरह से करने में. तो एक हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है, जिसको बेटा हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं. तो प्रोडक्ट मेथड को हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने क्या किया, बस सिंपली क्या कर लिया, जो हमारा अमाउंट है और मंथ है उसको हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट निकालते चले गए. ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले में हमने कुछ किया नहीं ज़्यादा, आपको लगेगा कि नया फॉर्मूला बनाया है, लेकिन नया फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल बेटा, सिंपल है. देखिए हमने क्या किया, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया. जब अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चा क्या बन गया, प्रोडक्ट.
तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया बेटा, प्रोडक्ट, क्योंकि अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बचा क्या, रेट डिवाइड में 100, तो रेट डिवाइड में 100 लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पे क्या बचा बेटा, 12 बचा, ओनली 12 बचा, क्योंकि मंथ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या 12। अब 12 बेटा ऐसे अकेले नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 अपॉन में 12 लिख दिया। अब बेटा प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अब इस तरह से बेटा आप इंटरेस्ट सॉल्व करोगे, तो पहले इसको इसका इंटरेस्ट निकालोगे, फिर ऐड करोगे, फिर जाके आपका पूरे साल का निकलेगा। लेकिन इस तरह से निकालोगे तो बेटा देखिए, हमने मल्टीप्लाई करता, हमने क्या किया, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करते चले, क्योंकि बेटा 1 जनवरी को ड्राइंग करेगा तो लास्ट में 12 मंथ बचेगा, मतलब 12 महीने तक। अब फरवरी को ड्राइंग किया तो बेटा कितने महीने के लिए करी उसने, 11 महीने, 10, 9, 10, मतलब इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये जो टोटल प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया हमारा, 78,000। अब इसका निकालना है बेटा इंटरेस्ट, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 78,000, रेट परसेंटेज मैंने कितना लिखा हुआ है बेटा, 10% लिखा हुआ है, डिवाइड में 100, डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई में ये वाला 1/12। कैलकुलेट कर लीजिए आपका क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, मतलब इसने आपके टाइम को बचा दिया। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी मंथ का, मतलब यहाँ पे कोई भी डेट गिवन हो, उस डेट से जिस डेट को उसने ड्राइंग करी है, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, और प्रोडक्ट के टोटल को बेटा यहाँ पे लिखेंगे, रेट से उसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद उसमें हम क्या कर देंगे, मंथ अप्लाई कर देंगे। तो ये बात हुई बेटा। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, सेम डेट को सेम अमाउंट बेटा बार बार क्या करता रहता है, विड्रॉ करता रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि जो ए है बेटा, 1 जनवरी को 1,000 रुपी विड्रॉ करता है, उसी तरह से फिर 1 फरवरी को 1,000, उसके बाद अप्रैल में 1,000, मई के फर्स्ट में, मतलब बिगनिंग में 1,000, तो ये बेटा दिसंबर तक ऐसे करता रहता है। तो इससे भी आसान बेटा मेथड है हमारे पास, एक मेथड है, दैट इज अ सुपर मेथड, हम उसके बारे में बात करें। आई थिंक बेटा ये मेथड आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे कोई भी डेट गिवन हो, उससे मतलब नहीं है, अभी एक आधा और एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हर केस में अप्लाई होगा, और ये बेटा जो हमारा सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड हर केस में आपको अप्लाई होगा। तो बेटा एक मेथड और है हमारे पास, जिसे हम सुपर मेथड बोलते हैं, मतलब जब किस तरह की सिचुएशन गिवन हो, मतलब टाइम पीरियड का जो गैप है वो सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो उस तरह के मेथड में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, इससे भी फास्टर बेटा। देखिए जिसको बेटा हम एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं, एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं। लेकिन कंडीशन इसकी क्या होती है बेटा, कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन होती है, आपको ये चेक करना होता है कि ऑल द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग आर इक्वल, सभी अमाउंट ड्राइंग के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जो मैंने एग्जांपल लिया है बेटा, उसमें देखिए जितनी भी ड्राइंग उसने 12 ड्राइंग करी है, 12 ड्राइंग का अमाउंट कितना है बेटा, सबका इक्वल है 1,000, 1,000, 1,000। अब इसी तरह से अगला टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, हमारा जो टाइम गैप होना चाहिए ड्राइंग्स के बीच में क्या हो बेटा, इक्वल हो, मतलब एक दिन के बाद ड्राइंग कर रहा है तो एक दिन के बाद ही करे, एक महीने के बाद कर रहा है तो एक महीने के बाद करे, क्वार्टर में कर रहा है बेटा क्वार्टर के बाद करे, तो जितना भी हो उसके बीच में टाइम गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए तो हर महीने के बेटा वो पहली तारीख को कर लेता है, हर महीने की पहली तारीख को कर लेता है, मतलब इन सब के, मतलब जब पहली ड्राइंग करता है दूसरी ड्राइंग करता है उसके बीच में कितना हमारा गैप है, 1 मंथ का, फिर दूसरी तीसरे के बीच में कितना गैप है बेटा, 2 मंथ का। तो बेटा ये ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर ड्राइंग के बीच में इक्वल गैप है और अमाउंट भी इक्वल है,
तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, सुपर फास्ट मेथड लगा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो बेटा फिर वहाँ पे या तो आप सिंपल मेथड लगाओगे या फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। तो देखिए सिंपल मेथड्स को बेटा हमें यहाँ पे सुपर फास्ट मेथड को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग है बेटा ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, उसके बाद बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, उसको डिवाइड कर दीजिए दो से, आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है बेटा कि जब उसने ड्राइंग करी ना, उसका हमें क्या निकाल लेना है, मिड पीरियड निकाल लेना है। तो बस इसमें पीरियड पीरियड का ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब पहला केस लेता हूँ बेटा मैं इसमें, कि बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, कोई पार्टनर है बेटा जो क्या कर लेता है, मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग कर लेता है। तो उस केस में बेटा मैं एवरेज पीरियड कैसे निकालूंगा, देखिए अभी इसको समझ आएगा, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इससे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको क्लियर होगा। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए आप कि बिगनिंग ऑफ द मंथ क्या हो रहा है, फर्स्ट जनवरी फर्स्ट फरवरी, मतलब बिगनिंग में क्या कर ले रहा है बेटा, वो ड्रॉइंग कर लेता है। तो ड्रॉइंग कर लेता है बिगनिंग में, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद बेटा टाइम कितना बचेगा, देखिए पहली ड्राइंग कब करी उसने, फर्स्ट जनवरी को, तो फर्स्ट जनवरी के बाद कितना महीना बचा बेटा, देखिए फर्स्ट जनवरी के बाद कितना मंथ बचा। अब फर्स्ट जनवरी को ड्राइंग करी तो बेटा जनवरी भी काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट जनवरी को करी है। तो यहाँ से देखिए कितना मंथ बचेगा हमारे पास, 12 मंथ बचेगा। किस तरह से देखिए, काउंट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि बेटा हमारी जो कट ऑफ डेट है, मतलब हम इंटरेस्ट कब तक का कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, दिसंबर तक का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिसंबर तक कितना महीना बचेगा, 12 मंथ बचेगा, मतलब क्योंकि फर्स्ट जनवरी को उसने ड्राइंग करी है, तो फर्स्ट जनवरी के बाद कितना मंथ बचा हमारे पास, 12 मंथ बचा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चे, 12 मंथ लिख लिया, 12 मंथ लिख लिया। उसके बाद अपना जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ज्वाइन, तो लास्ट ज्वाइन कब करेगा वो, लास्ट ज्वाइन करेगा, ये बेटा मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है आपको, तो कैसे भी सिचुएशन हो सकती है। तो फर्स्ट दिसंबर को करेगा, तो फर्स्ट दिसंबर से लेके बेटा 31 दिसंबर तक कितना दिन बचा, पूरे पूरा मंथ बचता है हमारा, पूरा मंथ बचता है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, पूरा मंथ ऐड कर देंगे, मतलब 1 मंथ, और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो बेटा जो हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 6.5 मंथ। अब इसमें बेटा हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे हमारा क्वेश्चन वही वाला है तो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब क्योंकि उसने बेटा क्या करा है, हर महीने इंटरेस्ट किया है 1000 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट किया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 बार उसने किया है इंटरेस्ट, 12 बार ड्राइंग करी है, जब 12 बार ड्राइंग करी है तो बेटा इसको क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला वही होगा सिंपल, यही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फॉर्मूला सिंपल वाला रहेगा, अमाउंट रेट और उसके बाद मंथ डिवाइड में 12, तो सिंपल वाला ही लगेगा। लेकिन हम क्या कर लेंगे बेटा, वो हमारा सुपर फार्म मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं इसको। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसने 12 महीने तक 1000 1000 रुपये विड्रॉ किया है, तो बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट अपॉन में 100, तो रेट कितना लिखा होता है बेटा, मैंने 10% लिखा हुआ था, डिवाइड में 100 कर दिया। उसके बाद बेटा मंथ, अब मंथ हमने एवरेज मंथ कितना निकाल लिया, 6.5 अपॉन में 12, एकदम आसानी से बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ पे कितना टाइम लगाया, सिंपल मेथड से हर बार उसका इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट निकालने के बाद बेटा उसको ऐड किया ऐड किया ऐड किया, 12 मंथ तक आप किए, मतलब आपने बहुत सारा टाइम लगा दिया इसी इंटरेस्ट को निकालने के लिए। इसी तरह से बेटा आपने प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा कम टाइम लगाया उससे सिंपल वाले से, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। जस्ट क्या करना है हमें, अमाउंट निकाल लिया 12000 10 एंड 6.5 अपॉन में 12, आपका जो भी आएगा कैलकुलेट करके आपका अमाउंट निकल गया, मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा
कि हमारा इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हम निकालते हैं इंटरेस्ट को। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल आसान लगने लगेगा आपको, एक दो क्वेश्चन और कर लोगे तो। मतलब क्या है बेटा, जो एवरेज पीरियड है उसमें सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, वो अमाउंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर 12 महीने तक उसने विड्रॉ किया है तो बेटा 12 मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 महीने तक का निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा एक और लेते हैं, बेटा एक केस और लेते हैं। अगर किसी पार्टनर ने क्या कर लिया, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ निकालना शुरू कर दिया, मतलब क्या बेटा कि उसने ना 15 जनवरी को पहली ड्राइंग करी और 15 दिसंबर को दूसरी ड्राइंग करी, इसी तरह से 15 15 तारीख को निकालता गया। इसी तरह से क्या किया उसने, 15 डेज से निकालना स्टार्ट कर दिया, मतलब मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल ऑफ द मंथ में आप क्या करोगे, एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे आप, मिडिल ऑफ द मंथ में एवरेज मंथ आप इस तरह से निकालेंगे बेटा कि पहले फॉर्मूला वही टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचेगा, देखिए अब जब 15 जनवरी को बेटा ड्राइंग करेगा तो जनवरी का आधा महीना बचेगा और प्लस में 11 महीना बचेगा, तो टोटल कितना महीना बचेगा बेटा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 11.5 मंथ, 11.5 मंथ। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे 11.5 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग को कब करेगा, ध्यान रखिए लास्ट ड्राइंग कब करेगा बेटा, 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर को करेगा। तो 15 दिसंबर के बाद बेटा 15 दिन बचा, मतलब आधा आधा में आधा महीना बच गया आपके पास, तो हाफ मंथ बच गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 0.5 मंथ, डिवाइड कर दिया 12 से, डिवाइड कर दिया 2 से, तो मंथ कितना आ गया बेटा, 6 मंथ। अब ध्यान कीजिए बेटा, जब मैं आपको ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करा रहा था पहले सिंपल वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर डेट ना गिवन हो तो हम क्या कर देते हैं, 6 मंथ का लगा देते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा 6 मंथ का क्यों लगाते हैं। 6 मंथ का इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं बेटा कि महीने में कभी भी ड्राइंग करता है, ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे 6 मंथ का कैलकुलेट करके आ जाता है। तो यहाँ पे भी बेटा सिंपल देखिए, यहाँ पे भी बेटा आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, सिंपल भी, क्योंकि हजार हजार रुपए करके बेटा 12 महीने तक वो विड्रॉ करता है और रेट हमारी 10% गिवन है, उसके बाद मल्टीप्लाई में बेटा मंथ कितना बचा, 6 डिवाइड में 12, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ, दूसरा बेटा एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ। अब ये क्या कर लेता है बेटा पार्टनर, क्या करता है, सब मैं केसेस बता रहा हूँ बेटा, एक ही एग्जाम्पल लेके सारे केसेस क्लियर करवा रहा हूँ आपको। अब वो आपको बोल रहा है कि एवरी मंथ के एंड में कर लेता है। एवरी मंथ के एंड में का मतलब क्या है बेटा, कि जो ड्राइंग कर रहा है ना वो कब कर रहा है, 31 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है बेटा, 31 दिसंबर को कर रहा है। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है वो, 31 दिसंबर को। पहले ड्राइंग कब कर रहा है, 31 जनवरी को कर रहा है। तो 31 जनवरी के बाद बेटा कितना महीना बचेगा अब, क्योंकि 31 जनवरी के बाद बेटा मंथ खत्म हो जाएगा, तो फरवरी से काउंट करेंगे, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ हो गया, 11 मंथ हो गया। देखिए 11 मंथ हो गया। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करेगा बेटा वो, लास्ट ड्राइंग करेगा दिसंबर 31, दिसंबर 31 के बाद बेटा आपका ईयर ही खत्म हो जाएगा, मतलब कोई दिन नहीं बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 0 डिवाइड में क्या कर दिया बेटा 2, और मंथ हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे एवरेज मंथ निकल के आ गया 5.5 मंथ। इसमें भी कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सेम तरीका वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से निकालेंगे 1000, क्योंकि बेटा 12 महीने तक उसने क्या किया है, हज़ार हज़ार रुपये निकाले हैं, तो 12 महीने तक निकाले हैं, तो बेटा देखिए 1000 मल्टीप्लाई में 12, ये मैंने इसलिए लिखा बेटा समझाने के लिए, वैसे डायरेक्टली मैं 12000 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 12000 10 अपॉन में 100 और 5.5 मंथ डिवाइड में 12, आराम से निकल जाएगा। लेकिन 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 फिर से बता रहा हूँ बेटा, इस मेथड के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो इक्वल होने चाहिए, और टाइम गैप ड्राइंग का वो भी कैसा होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, मतलब अमाउंट भी इक्वल, टाइम गैप भी इक्वल, मतलब हर महीने के एंड में कर रहा है तो एंड में ही कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है तो बिगनिंग में ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बेटा एक महीने के एंड में करे दूसरे महीने की बिगनिंग में करे, तो फिर वहाँ पे बेटा ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे बेटा आप प्रोडक्ट मेथड लगाइए, सिंपल मेथड लगाइए। ठीक है, इसी तरह से और पार्टनर्स क्या कर सकते हैं बेटा, अब
ये तो बात हुई बेटा मंथ की, ठीक है। यहां तक हमने क्या बात करी बेटा, मंथ की। अब पार्टनर क्या कर सकता है बेटा, ये भी डिसाइड कर सकता है कि हम क्या करेंगे बेटा, क्वार्टरली। हम क्या करेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे। तो क्वार्टरली में बेटा तीन केस बनेगा, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में और क्वार्टर के एंड में ड्राइंग। तो एक मंथ, एक साल में कितना क्वार्टर होता है बेटा, चार क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब बेटा 3 महीने। तो क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा बेटा, जैसे इसमें मैं मान लेता हूँ चार क्वार्टर कब से, जनवरी से लेके मार्च क्या हो गया, पहला क्वार्टर हो गया। उसके बाद अप्रैल से लेके जून क्या हो गया बेटा, दूसरा क्वार्टर हो गया। जुलाई से लेके सितंबर कौन सा क्वार्टर हो गया बेटा, तीसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर से लेके दिसंबर कौन सा क्वार्टर हो गया बेटा, फोर्थ क्वार्टर हो गया। मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं। तो चार क्वार्टर, अब आपसे बोल रहा है कि बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मतलब अगर कोई पार्टनर क्या कर लेता है, ड्रॉइंग करता है बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो उसके बाद बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड में टू। तो देखिए एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग मतलब कि पहली क्वार्टर कब से बेटा, जनवरी से स्टार्ट हुई, तो जनवरी, फर्स्ट जनवरी से लेके बेटा दिसंबर तक कितना महीना बचता है आपके पास, फर्स्ट जनवरी से लेके दिसंबर तक कितना महीना बचता है, 12 महीना बचता है पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 12 मंथ। लेकिन अब लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, क्योंकि क्वार्टर कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, फर्स्ट अक्टूबर से। लास्ट वाला क्वार्टर कब से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट अक्टूबर से। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को करेगा। तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितना मंथ बच गया आपके पास, 3 मंथ बच गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, प्लस में 3 मंथ डिवाइड में टू, और उसके बाद कैलकुलेट करके आ गया आपका 7.5 मंथ। यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे आप, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बेटा क्वार्टर का मतलब बेटा कोई भी पार्टनर्स क्या कर रहा है, चार बार ही फर्म में से पैसे निकाल रहा है। तो 1000 1000 करके बेटा 12 टाइम नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000 रेट परसेंटेज 10 100। उसके बाद मंथ कितना निकाल लिया हमने, 7.5 अपॉन में 12। तो इस तरह से निकल जाएगा। जब क्वार्टर की बात करेगा बेटा, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। लेकिन जब मंथ में बेटा बात करेगा, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए बेटा हम क्या कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर वो बोल रहा है मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर बोल रहा है, तो बेटा मिडिल ऑफ द क्वार्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा, जो पहला क्वार्टर है, देखिए जो पहला क्वार्टर है वो कब से स्टार्ट होगा बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर है ना हमारा, जनवरी से लेके फरवरी तक। उसके बाद जब बोल रहा है कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर क्या होगा बेटा, फरवरी का मिड। मिडिल ऑफ द क्वार्टर क्या होगा बेटा, फरवरी का मिड, मतलब 15th ऑफ द फरवरी। तो 15th ऑफ द फरवरी के बाद कितना महीना बचेगा, आप कैलकुलेट करके बताइए बेटा। 1.5 महीना तो यहाँ से निकल गया, बचा कितना, 10.5 महीना बचा। तो 10.5 महीना यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, 10.5 मंथ लिख लिया मैंने। उसके बाद बेटा ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट वाली क्वार्टर कब से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा बेटा, नवंबर के बीच में करेगा। तो इसके बाद कितना मंथ बचेगा, मतलब 15 नवंबर के बाद बेटा, 15 दिन नवंबर के, पूरा मंथ दिसंबर का, मतलब 1.5 महीना बचेगा। तो 1.5 महीना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 1.5 मंथ लिख दिया, डिवाइड में टू कर दिया, मंथ कितना निकल के आ गया बेटा, 6 मंथ। अब यहाँ भी बेटा ड्राइंग कितनी कर रहा है, चार ही कर रहा है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, 6 अपॉन में 12, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ड्राइंग का अमाउंट निकल जाएगा। इसी तरह से बेटा वो क्या करता है, एंड ऑफ द क्वार्टर करता है। तो एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब बेटा पहली क्वार्टर कब से, जनवरी से लेके मार्च तक, मतलब वो कब करेगा,
मार्च को करेगा, तो 31 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं बेटा? 31 मार्च के बाद 9 मंथ बचते हैं ना, तो 9 मंथ लिख लिया हमने। लेकिन लास्ट ज्वाइन कब करेगा बेटा? लास्ट जो हमारे लास्ट क्वार्टर कब होगी बेटा? अक्टूबर से लेके दिसंबर वाली क्वार्टर चलेगी, तो लास्ट ज्वाइन कब करेगा? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद कोई दिन नहीं बचता, इसलिए 0 डिवाइड में 2, 4.5 मंथ। इसे भी बेटा सेम निकाल लोगे कि क्वार्टर की बात कर रहा है, तो 4 4,000 के मतलब 1000 मल्टीप्लाई में 4, 10 4.5 मंथ अपॉन में 12, 4.5 में अपॉन में 12, ठीक है। लेकिन अब बेटा थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को और चेंज कर देता है वो। क्वेश्चंस को और कैसे चेंज करेगा? जब वो बोल रहा है ना कि व्हेन द ड्रॉइंग ऑफ द इक्वल मंथ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग द 6 मंथ, वो कहता है कि हम तो ना 6 मंथ तक ही ड्रॉइंग करेंगे, 6 मंथ के बाद हम ड्रॉइंग नहीं करेंगे। मतलब कि क्या, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और कब तक करेंगे बेटा? जून तक करेंगे, उसके बाद मैं ड्राइंग नहीं करूँगा, ठीक है। ये बेटा मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, जनवरी से जून, वो मंथ को कोई भी हो सकता है बेटा, जून से लेके जुलाई से लेके दिसंबर भी हो सकता है, कहीं भी बेटा अप्रैल से लेके कुछ भी हो सकता है, फरवरी से लेके कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह से अगर उसने बोल रखा है तो उस केस में क्या करोगे बेटा? 3 ही केस बनेंगे सब में, बिगनिंग, मिडिल और एंड में, बिगनिंग, मिडिल और एंड, तो 3 ही केस बनने वाले हैं सभी में। लेकिन फर्क इतना आ जाएगा बेटा कि वो कंटिन्यू 6 मंथ तक ड्राइंग करेगा, कंटिन्यू पूरे साल करेगा, कंटिन्यू 9 मंथ तक करेगा, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन में बता रखा होगा। तो 6 मंथ तक का मतलब जनवरी से जून। अब देखिए बिगनिंग ऑफ द मंथ करता है तो बेटा कब करेगा? फर्स्ट जनवरी को पहले ड्राइंग करेगा। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट जून को करेगा। तो जनवरी से जून तक कितना महीना बचता है बेटा हमारा? 6 मंथ। अब फर्स्ट जून को कर रहा है तो बेटा पूरा 30 दिन बचा, तो +1 डिवाइड में 2 कितना आ गया? 3.5 मंथ। लेकिन यहाँ पे अमाउंट देखना बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे साल में 6 ही ड्राइंग करता है, तो 1000 1000 मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि बेटा 6 ड्राइंग कर रहा है तो 6 ही ड्राइंग का अमाउंट लगेगा, 3.5 अपॉन में 12, ठीक है। तो 6000 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, 3.5 एंड 12। तो ये तो बात होगी बेटा हमारी किसकी? बिगनिंग की। इसी तरह से अगर वो बात करे बेटा मिडिल की, मिडिल का मतलब क्या है बेटा? 15 जनवरी, ठीक है, और 15 जून। मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा बेटा वो? 15th ऑफ द जनवरी। उसके बाद कितना मंथ बचा आपका? पहले बेटा मैंने चलो मिडिल का ही डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये मिडिल है, मिडिल, और ये वाला यहाँ पे एंड वाला है। तो देखिए मिडिल के बाद कितना बचेगा बेटा? 15 जनवरी के बाद जून तक कितना बचेगा? 5.5 मंथ बचेगा, ठीक है। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो बेटा? 15 जून को करेगा। तो 15 जून को करेगा तो बेटा 15 जून के बाद 15 दिन बचा हमारे पास, तो 15 दिन बचा बेटा, तो मतलब कितना महीना बचा? आधा महीना बचा, तो डिवाइड में 2 कर दिया, मंथ कितना आ गया? 3 मंथ। फॉर्मूला सेम लगा लेंगे, इंटरेस्ट निकालना है तो बेटा वही 1000 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 10, 3 अपॉन में 12। आगे देखिए एंड ऑफ द मंथ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा, मंथ को, एवरेज मंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एवरेज मंथ वो इसमें एंड ऑफ द मंथ का मतलब बेटा पहले ड्राइंग कब करेगा बेटा? 31 जनवरी को करेगा। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 30 जून को करेगा। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचता है बेटा? 5 मंथ बचेगा, क्योंकि 31 को करेगा, 31 के बाद 5 महीना बचता है, उसके बाद लास्ट कब करेगा? 30 जून को करेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 2.5 मंथ, ठीक है। तो ये बेटा जब वो 6 मंथ तक कंटिन्यूस ड्राइंग करता है तब की बात है। लेकिन इसी तरह से बेटा वो ड्राइंग कब करता है?
इसी तरह से ड्राइंग कर रहा है बेटा 9 मंथ तक, सेम है, कुछ भी नहीं है, सेम है, कुछ भी नहीं है। मैं मतलब कि 9 मंथ का मतलब मैंने ले लिया बेटा, फॉर एग्जांपल के लिए 1 जनवरी से लेके सितंबर तक कितना महीना हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा। तो अगर 9 मंथ के लिए कर रहा है तो वही बेटा बिगनिंग एंड और मिडिल वाला, बिगनिंग एंड और मिडिल वाला। तो देखिए एवरेज पीरियड निकाल लिया हमने, एवरेज पीरियड ही निकालना क्योंकि फार्मूला बाकी सबका सेम है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड में 2। तो देखिए अब अगर 9 मंथ तक करता है तो बेटा पहले ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को करेगा। लास्ट ड्राइंग कब करेगा बेटा, 1 सितंबर को करेगा। तो पहली जनवरी से लेके बेटा सितंबर तक कितना मंथ बचा, 9 मंथ बचा। उसके बाद अब बेटा लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो 1 सितंबर को करेगा। तो मंथ कितना बचा, 1, डिवाइड में क्या कर दिया बेटा 2। मंथ कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे, 5 मंथ। एवरेज मंथ कितना निकल गया, 5। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो 1000 का अमाउंट है मतलब जो भी अमाउंट गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, क्योंकि 9 मंथ तक क्या करता है वो विड्रॉ करता है, ठीक है, 9 मंथ तक विड्रॉ करता है। इसी तरह से बेटा एंड ऑफ द मंथ, जब वो 9 मंथ तक एंड ऑफ द मंथ करेगा तब पहले ड्राइंग कब करेगा, 31 जनवरी को। उसके बाद कितना महीना बचेगा, 8 महीना बचेगा। फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा बेटा, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 30 सितंबर को। उसके बाद कितना महीना बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, 4 मंथ। ऐसे बेटा मिडिल वाला देखिए, मिडिल वाले में पहले ड्राइंग कब करेगा बेटा, 15 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 सितंबर को। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचता है बेटा, 8.5 मंथ बचता है ना। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचता है, मतलब 15 से 30 सितंबर तक कितना बचता है बेटा, आधा महीना, डिवाइड कर दिया ये निकल के आ गया। अमाउंट वही सेम निकालोगे, इसमें भी अमाउंट क्या निकालोगे, सेम 1000, क्योंकि मैंने 1000 वाला क्वेश्चन लिया है, इसलिए बेटा जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वो डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में 9 रेट परसेंटेज और मंथ कैलकुलेट कर लोगे, आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। आई थिंक बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, एक दो मैं आपको इसमें एग्जांपल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बेटा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।